आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर जनपद में मिले 7 और नए कोरोना पॉजिटिव केस। नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की सूचना से जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ये 7 केस उन स्थानों पर मिले हैं जहां जिला प्रशासन ने पहले लॉकडाउन के चरण में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर उन स्थानों को हॉटस्पॉट करते हुए सील कर दिया था। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है जहां आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते जनपद में आज 2 थाना क्षेत्रों में हथौली और पुरकाजी में 7 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पहले हॉटस्पॉट किए गए स्थानों हथौली और पुरकाजी से मिले हैं, जिन्हें मिलाकर अब जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना के मरीजों की संख्या 14 हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने आज मिले नए केसों में संख्या 10 बताई है, लेकिन उनमें से 3 को अभी संदिग्ध मानकर चला जा रहा है। लिहाजा आज जो केस मिले हैं वे 7 बताए जा रहे हैं। अगर पूर्व में मिले केसों की बात करें तो यह संख्या 7 थी, जो अब बढ़कर 14 हो गई है। जब इस संबंध में एडीएम प्रशासन अमित कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज हमें जो सीएमओ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 बताई गई है, लेकिन उनमें 3 अभी भी संदिग्ध हैं, लिहाजा अभी 7 की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि जो हमारे पहले से हॉटस्पॉट चिन्हित क्षेत्र थे, जिनमें खतौली और पुरकाजी थाना क्षेत्र था, आज ये कोरोना पॉजिटिव केस वहीं से मिले हैं। अब यह रिपोर्ट आने के बाद इन घटना स्थलों पर मेडिकल टीमें भेजकर इनके परिजन और स्थानीय लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। कितनी रिपोर्ट आई है और क्या स्थिति, क्या अपडेट है सर? आज जो भी रिपोर्ट सीएमओ साहब से प्राप्त हुई इसमें 7 केस पॉजिटिव है मुजफ्फरनगर में और 3 केस अभी अवेटेड हैं, जिसमें अभी सस्पेक्टेड है। 7 केसों में हमारे पुरकाजी और खतौली क्षेत्र के हैं। उन सबको हम आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और जो उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो भी लोग हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, और उनको चिन्हित करके हमारी टीम्स निकल गई हैं पुरकाजी खतौली में। उनको चिन्हित करके ऑलरेडी हमारा हॉटस्पॉट क्षेत्र पहले से ही बना हुआ था और उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आज अभी जो भी इनके कॉन्टेक्ट में लोग हैं उसमें मेडिकल टीम, पुलिस की टीम और मजिस्ट्रेट टीम गई हुई है, और जो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लोग थे उनको होम क्वारंटाइन करेंगे, उनके जो है वीटीएम सैंपल लेंगे। हाँ, जो पहले हमने सैंपल लिए थे जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों से जो लोग चिन्हित हुए थे, उन्हीं हॉटस्पॉट के हमें रैंडम सैंपल भी लिए थे कुछ, उन सैंपल्स में से हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे, मतलब जनरल पब्लिक के नहीं थे, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में उन लोग के थे उनके सैंपल लिए गए। अभी उनको सबको हम होम क्वारंटाइन करेंगे और जो भी लोग वो कॉन्टेक्ट में थे उनका सैंपल लेगा। खतौली से तकरीबन 3 लोग हैं और 4 पुरकाजी से हैं और 1 से टोटल 7 हो गए। 7 हैं, पहले के 6+1 हैं, मतलब अराउंड 14 के आसपास 14 हो गया है, और जो सैंपल अभी सस्पेक्टेड है उनका रिपोर्ट आएगा। तो नहीं, सैंपल तो कई सारे भेजे गए हैं, लेकिन अभी 3 सैंपल ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड आ गए हैं, मतलब उनका नहीं, सब जमाती इसमें नहीं है, इसमें तकरीबन 3 या 4 जो हैं जमातियों के हैं, बाकी एक लोकल फैमिली है और उनका सबका पता जमाती कहाँ के रहने वाले नहीं अभी मालूम पड़ पाया, उनका ट्रेसिंग चल रहा है। सर, जो लॉकडाउन में छूट दी थी अब फिलहाल वो छूट बरकरार है कि इसमें कुछ चेंजिंग किया जाएगा? लॉकडाउन में पूरा उसका पालन और सख्ती से होगा। जो पब्लिक 6 से 9 बजे के बाद आवश्यक खाद्य पूर्तियों के अलावा मेडिकल या बैंक सर्विस के अलावा यदि कोई टहलता घूमता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। और हम पब्लिक को भी संदेश देना चाह रहे हैं कि अनावश्यक अपने घरों से ना निकलें, इमरजेंसी यदि हो तो ही अपने घर से निकलेंगे तो सेफ्टी रहेगी, संक्रमण से